कर दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही गाइज आप लोगों के बीच में जेनिफर विंगेट एक बार फिर से अपने टेलीविजन सीरियल के साथ में दस्तक देने जा रहे हैं, और इस बार उनके साथ में हर्षित चोपड़ा नजर आने वाले हैं। और हर्षित चोपड़ा को आप जानते ही हैं कि काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स हैं और अभी भी एक रिसेंटली टेलीविजन में काम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जेनिफर विंगेट इस बार बेपनाह सीजन 2 में दस्तक देने जा रही हैं, जिनका प्रोजेक्ट काफ़ी एक्साइटेड है और लोग चाहते हैं कि जेनिफर फिर से अपने न्यू प्रोजेक्ट की नई शुरुआत करने जा रही हैं। जेनिफर के साथ में हर्षित चोपड़ा एक अच्छी खासी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। बेपना सीजन 2 2022 का एक नया प्रोजेक्ट है, 2022 के एंड में आप लोगों तक पहुंचने ही वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जेनिफर विंगेट और हर्षित चोपड़ा एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ में काम करे हुए भी समय हो चुका है, क्योंकि कुछ समय पहले बेपनाह सीजन 1 किया था जेनिफर विंगेट और हर्षित चोपड़ा ने, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुआ था। ऑडियंस ने इस सीरियल को बेपनाह प्यार दिया और बेपनाह प्यार देने के बाद ये सीरियल हिट साबित हुआ था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जेनिफर विंगेट के साथ में अगर किसी की जोड़ी अच्छी लगती है तो वो हर्षित चोपड़ा की ही अच्छी लगती है। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने भी कि हर्षित चोपड़ा और जेनिफर विंगेट एक दूसरे के साथ में कमाल के लगते हैं, क्योंकि ऑडियंस भी इन दोनों को बेपनाह प्यार देती है। लेकिन आने वाले अब बेपनाह सीजन 2 की अगर बात की जाए तो फिर से आदित्य का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं हर्षित चोपड़ा। वहीं जेनिफर विंगेट की बात की जाए तो जेनिफर विंगेट जोया के किरदार से लोगों के बीच में एंटरटेनमेंट करती हुई नजर आने वाली हैं। साथ ही दोस्तों आपको कुछ मुख्य बात और भी बताना चाहता हूं मैं कि जेनिफर विंगेट आखिरकार क्यों अपने इस सीरियल में दस्तक दे रही हैं हर्षित चोपड़ा के साथ में। जैसा कि सभी दोस्तों को पता ही चल गया होगा कि जेनिफर विंगेट काफ़ी समय से टेलीविज़न की दुनिया से बाहर चल रही हैं, इसीलिए वो मेकर्स के साथ मिलकर अपने आने वाले प्रोजेक्ट 2022 के प्रोजेक्ट बेपनाह सीजन 2 में नजर आएंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर